नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या तनेजा फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आज हम होम्योपैथी के बारे में कुछ कॉमनली प्रेवलेंट मिथ्स के बारे में बात करेंगे। एक बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों के साथ अनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज या और खाने की चीज़ें बंद करनी अनिवार्य होती हैं? तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर। और कई बार क्या होता है, कुछ दवाओं के साथ कुछ स्पेसिफिक खाने की चीज़ें बंद करी जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में हर दवा के साथ आपको ये कॉमनली खाने वाली चीज़ें, चाहे वो अनियंस हों, चाहे गार्लिक्स हों, चाहे और सब्सटेंसेस हों, वो आपको बंद करने ज़रूरी हैं। ये आप खा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी शंका है, आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके बारे में और पूछ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिंस जो हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनती हैं, लेकिन इनको बनाने का एक तरीका होता है। इसमें कुछ हर्ब्स भी हो सकती हैं, कुछ और प्लांट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिनको कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, होम्योपैथिक फार्माकोपिया में दी हुई डायरेक्शंस के हिसाब से बनाया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि रॉ ड्रग सब्सटेंस होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसका थेरेप्यूटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत सेफ हो जाती हैं। और इनका और मेडिसिंस के साथ या जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके साथ ड्रग इंटरैक्शंस नहीं होता है। एक प्रचलित धारणा है कि होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत स्लोली काम करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। होम्योपैथिक दवाओं का एक्शन डिपेंड करता है बीमारी की पेस के ऊपर और दवाओं की पेस के ऊपर। अगर बीमारी जो है बहुत एक्यूट है, अगर कोई एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आता है, तो दवाइयाँ उसको इमीडिएट रिलीफ दे सकती हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, किसी को 10 साल से बीमारी चल रही है, 12 साल से है, कभी सांस की तकलीफ हो सकती है, ये स्किन की तकलीफ हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है जो कि बहुत सालों से चल रहा हो, ऐसी कंडीशन में कई दफ़ा बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स अपने आप से ही दवाइयाँ मार्केट से खरीद कर या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने वाले मैसेजेस को देखकर दवाइयाँ खरीद लेते हैं, ये मानते हुए कि होम्योपैथिक मेडिसिंस का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब करी जाती है, जो कि एक स्पेसिफिक पोटेंसी में होगी, उसकी एक डोजेज होगी। एक ट्रेंड होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, वो आपको जब दवा देगा, वो आपके हिसाब से उसकी डोजेज और उसकी पोटेंसी दे के हिसाब से आपको वो दवा देगा। ऐसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप सेल्फ मेडिकेट करेंगे, वो डोजेज, वो दवा, वो पोटेंसी अगर आपके लिए सही नहीं है, तो उसके जो है आपके ऊपर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत प्लेजेंट ना लगे, और साथ ही साथ आपकी बीमारी में आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक दवाएं एक ट्रेंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह पर ही लें। होम्योपैथी इज़ सेफ, इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस, एंड यू कैन विजिट अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर फॉर ऑल योर डिफरेंट कंप्लेंट्स एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड CCRH।